इंटेग्रिटी क्या है और आजकल के जमाने में इंटेग्रिटी क्यों खत्म होती जा रही है, इंटेग्रिटी का मतलब क्या है, इसको हम आज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज मे बी अ बिट पिंचिंग वीडियो बट बेयर विद मी टू द एंड. अस्सलाम वालेकुम, जिम्ड परदेसी विद सोसाइटी रॉक्स. इंटेग्रिटी आजकल के जमाने में क्यों खत्म होती जा रही है? इंटेग्रिटी ना आजकल पॉलिटिक्स में है, ना रिश्तों में है, ना मोहब्बतों में है, ना इज्जतों में है. अच्छा, व्हाट इज इंटेग्रिटी? पहले चले इंटेग्रिटी को समझ लेते हैं. इंटेग्रिटी इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड बीइंग एंड हैविंग स्ट्रांग मॉरल प्रिंसिपल्स. अब अगर आप अपने वालिद या अपने दादा या नाना को अगर आप दिमाग में लेके आए तो आपको ये एहसास होगा कि उन लोगों का जो सेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट जो था ना, वो बहुत स्ट्रांग था. उन लोगों का इंटेग्रिटी, सेंस ऑफ इंटेग्रिटी थी बहुत स्ट्रांग. किसी को अपना, पुराने जमाने में अल्फाज जो थे, अगर कहते थे ना मैंने जुबान दे दी, लोग मर जाते थे इस बात पे, मार देते थे इस बात पे कि जुबान दी हुई है. इतना ज्यादा जुबान जो थी उसका वजन था, अल्फाज का वजन इतना ज्यादा था कि अगर आपने जुबान दे दी तो आपको कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है, कोई सिग्नेचर्स की जरूरत नहीं है, कोई गवाहों की जरूरत नहीं है. आपने जुबान दी इस बंदे को, उस बंदे ने आपको याद कराया, एंड यू हैव दैट सेंस ऑफ लॉयल्टी टू योर ओन प्रिंसिपल्स कि आप वो काम करेंगे जिस जो आपने वादा किया है. दिस वॉज इंटेग्रिटी. आजकल ये क्यों नहीं है? इंटेग्रिटी जो है ये बेसिकली, आपने ये बात सुनी होगी कि अगर आपने किसी कौम को तबाह करना है तो उसमें बेहयाई फैला दो, इसलिए आपको ना तो आपको वॉर्स की जरूरत पड़ेगी, ना आपका ज्यादा खर्चा होगा. बेहयाई फैला दो, ड्रग्स फैला दो, वो कौम खुद ही अपने आप को तबाह कर लेगी. और अगर आप गौर से देखें तो आजकल हमारी कौमें, कोई भी कौम ले लें, जरूरी नहीं है कि आप किसी भी कौम, मैं किसी का नाम नहीं लेती, आप किसी भी कौम को उठा के देखें, उसमें बेहयाई फैल गई है. औरत आजादी, औरतों की आजादी. अच्छा, जो मुसलमान नहीं है उनका तो चलिए मैं बाद में बात करती हूँ. जो मुसलमान हैं, अपने आप को सो कॉल्ड मुसलमान कहते हैं, आजादी लेके ऐसे ऐसे गंदे उस पे यूट्रस की तस्वीरें बना के और व्हाट नॉट अंडर द बेल्ट तस्वीरें बनाकर बातें लिख के खवातीन निकली होती हैं हर साल इन द नेम ऑफ औरत आजादी. पर यही खवातीन क्या अगर कुरान शरीफ खोल के पढ़ लें तो इनको समझ आ जाएगी कि जितनी आजादी अल्लाह ताला ने कुरान में दी थी वो तो अब औरतों को है ही नहीं. अच्छा, मजे की बात पता क्या है, कुरान ने औरत को आजादी दी है, ठीक है, लेकिन इन लोगों ने उस आजादी का मतलब ट्विस्ट कैसे किया है, ये कह के कि तुम सर पे दुपट्टा लेती हो इसलिए तुम आजाद नहीं हो, तुम अपने आप को कवर करती हो इसलिए तुम आजाद नहीं हो. हालांकि इन दोनों बातों का आपस में एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. ठीक है, आजादी इज हियर, आजादी इज हैविंग राइट्स, आजादी इज कि आपको आपके माँ बाप के जो जायदाद है उसमें से सही तरीके से हिस्सा मिले, आजादी इस कि आपको अपनी जुबान खोलने की आजादी हो, आपको अपने मिये के साथ बात करने की आजादी है, आपको अपने जज्बात को बताने की आजादी है, आपको इस मुल्क, अपने मुल्क में जहां भी आप हैं उसमें बाहर जाके इज्जत से कोई भी काम अगर आप कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, आपको उसकी आजादी है कि आप इज्जत से जा रही हैं और इज्जत से आ रही हैं, आपको लोग इज्जत से ट्रीट करें. दिस इज आजादी. Wearing a cloth over your hair or wearing proper clothes is not azadi, is not against azadi. ठीक है, वो तो अल्लाह ने कहा है कि मुसलमान औरत अपने आप को, क्योंकि उस जमाने में डिफ्रेंशिएट करने के लिए अल्लाह ने कहा था, औरतें उस वक्त भी पूरे कपड़े पहनती थी. औरत, मैंने इस पर भी वीडियो बनाई हुई, आप जाके देख लें, हिजाब क्या है और खमार क्या है. खमार पहनती थी और उसी खमार को अल्लाह ने कहा था कि पीछे वो लटकाने के बजाय उठा के अपने आगे कर लो ताकि आपके जो एसेट्स हैं वो लोगों को नजर ना आए. बाल तो औरतें तब भी करती थी. हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, जो क्रिश्चियंस जिनको मानते हैं, वो डबल वेल लेती थी. आप उनकी कोई भी स्टैचू देख लें उसमें डबल वेल ली हुई है, ना सिर्फ उन्होंने खिमार पहना हुआ है बल्कि उसके ऊपर भी चादर ली. तो इस चीज को समझिए, खुदा का वास्ता है, इस चीज को समझिए कि आजादी क्या चीज है. इंटेग्रिटी इसी चीज से खत्म होती, उससे जुड़ी है. मैंने जो इतनी लंबी बात की इसका मकसद यह है कि इंटेग्रिटी इसी चीज से जुड़ी हुई है. सेंस ऑफ वैल्यू, सेंस ऑफ प्रिंसिपल्स जो होती है इंसान की, वो इसी चीज से आती है कि आप जब अपना मजहब नहीं पढ़ते, आप जब एजुकेशन नहीं लेते. यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, पाकिस्तान में, इंडिया में, कहीं भी आप देख लें, यूरोप में, अमेरिका में, हर मजहब के, हर जुबान के, हर किस्म के लोग आपको मिल जाएंगे, बहुत बहुत पढ़े हुए लोग होंगे. लेकिन जब बात आती है इंटेग्रिटी पे तो बहुत कम लोग आपको मिलते हैं जिस जो आपको वाकई
अपने प्रिंसिपल्स पे खड़े होते हुए नजर आते हैं। अक्सर लोग जो है वो ये है कि मैं अंडरग्राउंड ले लूं, मैं काला पैसा ले लूं, क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है, ऊपर देख रहा है, कोई और देख रहा है या नहीं देख रहा, वो देख रहा है, और हिसाब में भी उसी उस हिसाब भी उसी, आप मुझे धोखा दे सकते हैं, मैं किसी को धोखा दे सकती हूँ, उसको पता ना चले, वो तो देख रहा है ना, और वो भूलता नहीं है, वो सोता भी नहीं है। तो ये चीज है बेसिकली इंटेग्रिटी, अपने आप में अपनी जो किरदार है, हमारे किरदार लो लेवल के हो गए हैं, आई मस्ट से बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, लेकिन ये ट्रू है, हमारे जो किरदार है और इस लो लेवल पे आ गए हैं, एंड दिस इज द रीजन कि हम लोगों के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है जो आजकल हो रहा है। इंटेग्रिटी की एक और आपको मैं अगर बात बताऊं तो वो ऐसे है कि मैंने बहुत बहुत नॉन मुस्लिम्स भी ऐसे देखे हैं, मैं यूरोप में रहती हूँ, बड़े अरसे से रहती हूँ, और बहुत से नॉन मुस्लिम्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनकी इंटेग्रिटी मैंने एक मुसलमान से अगर टकरा के आप देख लें तो शायद ज्यादा ही निकलेगी। सो इंटेग्रिटी जो है वो इस्लाम के साथ जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है। अ पर्सन विद इंटेग्रिटी मस्ट नॉट बी अ मुस्लिम, बट अ मुस्लिम मस्ट बी हैविंग दिस ट्रेट इन हिम, ठीक है। तो ये जो सारी चीज है अपने अंदर, देखिए ये अपना कैरेक्टर है जो इंसान को सही करना होता है, और आप अपना कैरेक्टर कैसे सही कर सकते हैं, अपना कैरेक्टर सही करने के लिए छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बता के जा रही हूँ। छोटी छोटी चीजों में से सबसे पहली चीज ये है कि आप मजहब पढ़िए, वट एवर मजहब यू बिलोंग टू, एंड आई होप यू बिलोंग टू मुस्लिम मजहब, तो पढ़िए, कुरान खोलिए, कुरान को पढ़िए, उसमें से आपको, कुरान इज अ वे ऑफ लाइफ, इट टेल्स यू हाउ टू डील विद अदर पीपल, माँ बाप के साथ कैसे डील करना है, औलाद के साथ कैसे डील करना है, बहन भाइयों के साथ, बीवी के साथ, खावंद के साथ, खावंद के माँ बाप के साथ, सब रिश्तेदारियां जो है उसकी कुरान में जिक्र है कि आपको कितना कितना और कैसे कैसे डील करना है, ठीक है, किसकी क्या कौन सी जगह कैसे आप डील करेंगे। आजकल मैं देखती हूँ लोग अपनी माओ के साथ इतनी बदतमीजी करते हैं, उनको शायद ये पता नहीं कि क्यामत के दिन तो वो अपनी माँ के नाम से उठाए जाएंगे ना, और अगर माँ ने उस वक्त उनको माफ नहीं किया तो उनका क्या होगा, पॉइंट टू वंडर। तो इंटेग्रिटी जो है बेसिकली वो एक इंसान में इनबॉर्न आती है, ठीक है, और अगर इनबॉर्न नहीं आती और आपको तरबियत भी नहीं मिली, चलिए ऐसे भी कह लेते, कहीं के माँ बाप बचपन में मर गए, उनको तरबियत नहीं मिली, इंटेग्रिटी इज अ थिंग दैट यू कैन लर्न एट एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ, खुद से सेल्फ वर्क आपको करना है और उसमें से आप अपने आप को बेहतर इंसान बना सकते हैं। ये चीज अपने आप में खुद आपने पैदा करनी है थ्रू लर्निंग रिलीजन, थ्रू लर्निंग हिस्ट्री। अब आप कहेंगे हिस्ट्री का इंटेग्रिटी से क्या ताल्लुक है, हिस्ट्री अगर आप लर्न करें तो आपको समझ आएगी कि हिस्ट्री में जो जो कुछ हुआ है उससे अगर आप सबक हासिल कर लें। हिटलर जब यहाँ जर्मनी में, जब मैं नई नई आई थी उस वक्त, अभी लोग वो जिंदा थे जिन्होंने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिन्होंने देखी हुई थी, तो वो जो बताते हैं और जो किस्से वो सुनाते हैं कि 5-6 साल तो हिटलर ने तबाही मचाई थी, 40 से लेके 45 तक हिटलर ने रच के तबाही मचाई। वो लोग औरतें मुझे बताया करती थी कि हमें सांस लेते हुए भी डर लगता था, हम अपने घरों में भी सेफ नहीं थे, इतना ज्यादा हिटलर का प्रोपेगेंडा और एसएस जो थी उसकी, वो आर्मी उसकी, वो इतनी ज्यादा, जैसे आजकल पाकिस्तान में है कि आप अपने घरों में सेफ नहीं है, देखिए लोगों के घर आके उनके जूने चुरा के चले गए लोगों के, दिस इज नॉट इंटेग्रिटी, ठीक है, किसी तरह से भी आप इसको नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये सब हुआ, लेकिन आप ये भी देखिए कि बस 5 साल ही हुआ ना, उसके बाद तो वो मर गया ना, तो अब 50 साल बाद तक लोग उसको थू 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 करते हैं, ठीक है। तो क्या चाहते हैं आप कि लोग आपको मरने के बाद आप पे थूके, या आपको मरने के बाद कहें वाह बहुत अच्छा इंसान था, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने अंदर कितनी इंटेग्रिटी जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं, कितना अच्छा इंसान अपने आप को बना सकते हैं और अपने आप पे कितना काम कर सकते हैं। चिल देन चेमन परदेसी मेडिटेशन।